रूट कॉस एक्स प्लस रूट एक्स माइनस वन टू माइनस एक्स, इस फंक्शन का डोमेन निकाला तो डोमेन क्या हो गया, ये वन से लेके पाई बाई टू। अब कोई बच्चा ये बोलेगा कि इतनी मेहनत करने की जरूरत ही क्या थी, जैसे पहले निकाल लेते सीधे सीधे, डी वन निकाल लेते, डी टू निकाल लेते, इंटरसेक्शन निकाल लेते, खत्म हो जाता है, फालतू क्यों किया इतना। तो वो इसलिए किया कि डी वन जो निकालोगे, डी वन मतलब पहले फंक्शन का डोमेन, रूट कॉस एक्स का डोमेन, तो रूट कॉस एक्स का डोमेन कैसे निकालेंगे, हम ऐसे बोलेंगे कॉस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फिर अब कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कैसे निकालेंगे, तो उसे सॉल्व किया। वो जो सोल्यूशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आएगा एट दिस स्टेज, निकल आएगा वो भी बड़ी बात नहीं है ऑफकोर्स, बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा। हमें ये देखना पड़ेगा कॉस एक्स ग्राफ पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब क्या, हमें ये देखना है कॉस एक्स का ग्राफ जीरो से ऊपर कब आएगा, मतलब वाई बराबर कॉस एक्स ग्राफ वाई बराबर जीरो से ऊपर कहाँ कहाँ पे आएगा। वाई बराबर जीरो क्या होता है, एक्स एक्सेस, तो हमें इफेक्टिवली क्या देखना है कि वाई बराबर कॉस एक्स ग्राफ एक्स एक्सेस से ऊपर कहाँ कहाँ पे आएगा। तो जब कॉस एक्स ग्राफ ऐसे बनाओगे तो वो तो यहाँ पे ऊपर आया फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया फिर नीचे गया फिर ऊपर आया, तो ऐसे तो इन्फाइनेट इंटरवल्स आ जाएंगे। तो उसका सोल्यूशन लिखना थोड़ा सा कम्बरसम है, इसलिए इस क्वेश्चन में ये वाली चीज़ यूज़ किया है हमने। ठीक है, इसका ये नहीं कि ये हर जगह यूज़ हो जाएगा, ऐसा हो सकता है कि मान लिया एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आए फिर हमने सॉल्व किया, ऐसे एफ प्लस जी लिखा हो, हमने एफ का डोमेन निकालना चालू किया, फिर हमें लगे यार ये तो कॉम्प्लिकेटेड होता ही जा रहा है, क्वेश्चन केवल 2 मार्क्स का है और इतनी सारी कैलकुलेशन क्यों हो रही है, तो उसका मतलब क्या कि फिर इसी तरह की कोई चीज़ लग रही होगी। उसका मतलब क्या है कि जो चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है उसे शायद हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसे सॉल्व करने की। तो ऐसा हो सकता है कि दूसरे को सॉल्व करो, अगर मान लिया दूसरे को सॉल्व किया और उसका डोमेन फाई आ जाए कि वो डिफाइन ही नहीं है, तो पहले को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर एफ प्लस जी में जी का डोमेन मान लिया फाई आ जाए, फाई का मतलब क्या है कि किसी भी एक्स के लिए डिफाइन नहीं है, तो एफ को हमें सॉल्व करके करना ही क्या है, क्योंकि अगर फाई के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो फाई आएगा, वो तो आंसर हमें पहले से ही पता है, सॉल्व करने से पहले पता है। या फिर इस तरह की कुछ चीज़ हो रहा है कि एक आराम से सॉल्व हो जाए, आंसर 1 से 2 आ गया, दूसरा कॉम्प्लिकेटेड है तो हमें पता है आंसर 1 से 2 के बीच में ही है, इसलिए 1 से 2 के बीच में देख लिया दूसरा कहाँ कहाँ पर डिफाइंड है। ठीक है, ओके, ये दूसरा नोट था। फिर थर्ड नोट क्या है, एनी ऑपरेशन ऑफ अनडिफाइंड विल बी अनडिफाइंड, मतलब कैलकुलेशन करते समय अगर किसी भी बीच में एक स्टेप पे हमें पता लगा कि ये तो अनडिफाइंड है, तुरंत रुक गए, कुछ आगे किया ही नहीं, मतलब खत्म। अगर एक भी एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाए तो उसका मतलब खत्म, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल का मतलब क्या कि आंसर फाई हो गया। ऐसा नहीं हो सकता कि हम बोलेंगे अनडिफाइंड इंटू जीरो जीरो हो गया, अनडिफाइंड इंटू जीरो जीरो नहीं होगा, अनडिफाइंड अगर कहीं आ गया तो पूरा एक्सप्रेशन अनडिफाइंड, चाहे किसी से ही मल्टीप्लाई करो जोड़ो घटाओ कुछ भी करो वो पूरा अनडिफाइंड ही रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लिया हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, रूट एक्स माइनस फोर इंटू रूट साइन एक्स माइनस टू, इस वाले केस में रूट एक्स माइनस फोर ये कहाँ पे डिफाइंड है, जब भी रूट के अंदर जो लिखा है एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 होना चाहिए। ठीक है, ये कहाँ पे डिफाइंड है, जब भी साइन एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, मतलब जब भी साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। हमें पता है कि साइन एक्स का वैल्यू कभी 2 या 2 से बड़ा आता नहीं है, तो उसका मतलब क्या है कि एक्स बराबर फाइव है, कोई सोल्यूशन नहीं है, नल सेट है।
तो मल्टीप्लाई कर रखा है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा, तो आंसर क्या आ गया, एक्स बिलोंग्स टू फाई, मतलब नल सेट, नल सेट ये आंसर हो गया। ठीक है, बस यही आंसर है। किसी बच्चे को ऐसा डाउट हो सकता है, वो बोलेगा कि जो पहले वाला ब्रैकेट है अगर इसमें हम एक्स की वैल्यू 4 रखें तो 4 माइनस 4 0 हो गया, तो फिर बोलेगा पहला टर्म अगर 0 है तो 0 इंटू एनीथिंग 0 होगा, तो उसका मतलब क्या है कि आंसर तो आ गया 0 4 रखने पे, तो उसमें फ्लॉ है, 0 इंटू एनीथिंग 0 नहीं होता, 0 इंटू एनीथिंग को 0 होने के लिए वो एनीथिंग शुड बी डिफाइंड, देन ओनली इट विल बिकम 0। सही, तो हमने क्या बोला, इन जनरल 0 इंटू एनीथिंग को देख के हम ये नहीं बोलेंगे 0, ऐसे नहीं चिल्लाएंगे, 0 इंटू एनीथिंग डिफाइंड इज इक्वल टू 0, ये सही है। ठीक है, वो जो आगे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो डिफाइन होना चाहिए तभी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन लिखा कि एक्स माइनस 4 इंटू साइन x-2, तो सॉरी sin x-2 स्क्वायर रूट के अंदर इसका डोमेन क्या आया, ये फाई आया, दिस इज नेवर डिफाइंड। अगर मान लिया हमें क्वेश्चन ऐसे दिया होता, रूट ऑफ x-4 इंटू sin x-2, अगर हमें ऐसे दिया होता, अगर क्वेश्चन ये होता, अगर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज नॉट प्रीवियस क्वेश्चन, उसको हम मिला के नहीं लिखेंगे, ये तो हम पहले बोल चुके हैं कि जो ओरिजिनल फॉर्म है उसे छेड़छाड़ नहीं किया, उसको वैसे ही रहने दिया, ये अगर सेपरेट क्वेश्चन दिया जाए तो फिर इसमें हमें क्या मिलेगा, रूट ऑफ समथिंग लिखा हुआ है, तो सबसे पहले कौन आया, रूट, तो रूट को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, जो भी अंदर लिखा है x-4 इंटू sin x-2 दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि हम ऐसे बोलते थे कि स्क्वायर रूट ऑफ ए को अगर डिफाइन होना है तो ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हमने ऐसे लिख लिया एक मिनट के लिए, x-4, इसको पलट दिया, 2 को इधर ले आए, इसको इधर ले आए, 2 माइनस sin x इज लेस देन इक्वल टू 0, एक नेगेटिव फालतू आ जाएगा, इसको अगर ऐसे पलटा तो एक -12 आ गया, उसको उधर ले गए तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, तो जो नई इनइक्वालिटी है वो ऐसे बन गया। अब इसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके जो आंसर आ जाएगा वो इसका डोमेन हो जाएगा, जो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अब इसमें हम देखें तो 2 माइनस sin x में sin x का वैल्यू तो हमेशा 1 या 1 से छोटा ही रहेगा, तो ये वाला टर्म तो हमेशा ही पॉजिटिव है, हमेशा ही पॉजिटिव है, 0 भी नहीं हो सकता, पॉजिटिव है हमेशा, तो अगर ये टर्म पॉजिटिव है तो दोनों तरफ इसे डिवाइड कर सकते हैं, इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करो, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, अगर ये पॉजिटिव है तो इसको हटा दिया, क्योंकि इनइक्वालिटी में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की बजाय इसे सॉल्व कर लिया, जो ये बच गया वो यहाँ पे लिख दिया, बाकी हटा दिया क्योंकि वो तो पॉजिटिव है, इससे आ जाएगा x<= 4, तो यहाँ से आ जाएगा x-∞ से 4 क्लोज्ड, यही आंसर है, कोई गड़बड़ नहीं है, समझ में आ रहा है कि ऐसे लिखना या फिर ऐसे लिखना, मतलब ऐसे लिखना जो यहाँ पे लिखा गया है, या फिर ऐसे लिखना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों सेपरेट क्वेश्चन है, क्योंकि पहले वाले केस में तो फंक्शन सॉरी डोमेन फाई आया, दूसरे वाले केस में तो ये डोमेन आ गया -∞ से लेके 4 तक, यही डोमेन आ गया दूसरे वाले केस में। ठीक है, और एक और एग्जांपल ले सकते हैं, एग्जांपल मान लिया स्क्वायर रूट ऑफ sin²x(sin x-3)
इसमें आ जाएगा रूट के अंदर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस थ्री, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। फिर वापस साइन स्क्वायर एक्स इंटू ब्रैकेट के अंदर जो पलट दिया उसको, थ्री माइनस साइन एक्स, तो अगर इसको पलट दिया है तो एक माइनस आया, उससे इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया तो ये आ गया। यहाँ तक भी सही है। अब थ्री माइनस साइन एक्स लास्ट क्वेश्चन की तरह हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव तो हटा दिया, तो यहाँ से क्या है साइन स्क्वायर एक्स, अगर पॉजिटिव तो दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो ये आ गया, मतलब साइन स्क्वायर एक्स शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू जीरो। इसको देखते ही बहुत सारे बच्चे चिल्लाएंगे कि नॉट पॉसिबल, ऐसा थोड़ी ना। यहाँ पे उसने लिखा है साइन स्क्वायर एक्स या तो नेगेटिव होना चाहिए या फिर जीरो होना चाहिए, तो साइन स्क्वायर एक्स नेगेटिव होगा ये तो पॉसिबल नहीं है, बट जीरो तो हो सकता है। तो यहाँ से इसका मतलब ये निकलता है कि साइन स्क्वायर एक्स जीरो होना चाहिए, उसका मतलब क्या है कि साइन एक्स जीरो होना चाहिए, ठीक है। साइन एक्स जीरो कहाँ पे होगा, जो भी इसका रूट होता है, साइन एक्स का रूट क्या होता है एन पाई, तो यहाँ पे रूट कितना आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू एन पाई, ये आंसर होगा, ठीक है। तो एक बार और, ओरिजिनल क्वेश्चन ये था साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस थ्री, इसका डोमेन निकालना था तो हमें एक रूट दिखाई दिया स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट की वजह से जो भी उसके अंदर लिखा हुआ था उसको हमने ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो कर दिया, उसके बाद जो इनइक्वालिटी है उसको सॉल्व करते चले गए आगे, लास्ट में जाके ये पता लगा कि साइन एक्स जीरो होगा तभी वो पॉसिबल है, तो साइन एक्स जीरो हो गया, इस बात का सोल्यूशन क्या एक्स इज इक्वल टू एन पाई, तो यही डोमेन हो गया, यही डोमेन हो गया, हैंस यही आंसर हो गया, ठीक है।